वेलकम बैक गाइज। तो यार आप लोगों ने तो भाई बिल्कुल ही मतलब जहर कर दिया यार इतना वाचिंग साइज से। इसमें जितने भी लोग अभी देख रहे हैं भाई लोग, आप लोगों ने तो देखा ही होगा गाइज कितना वाचिंग चला गया था, 1.8 मिलियन के आसपास मैंने देखा। और इसमें आप लोग ऐसा ऐसा रिवार्ड मिलने वाला है ना कि आप लोग खुद ही चौंक जाओगे गाइज। सबसे पहले मैं बताऊँ तो गाइज फ्री फायर के बारे में एक चीज़ बता दूँ गाइज इस लाइव के बारे में कि भाई फ्री फायर ने अचीव कर लिया गाइज तीसरा सबसे मोस्ट वाचिंग लाइव वाचिंग, ठीक है, यूट्यूब पर गाइज, ठीक है, तीसरे नंबर पे स्थान इसका आ गया, जो कि था मेरे फ्रेंड ने तो गाइज 2 मिलियन बोला था, लेकिन मैंने जो देखा था 1.8 मिलियन लास्ट था, ठीक है, लेकिन उसने बताया कि भाई 2 मिलियन। एक बात और मैं आपको बता दूं गाइज कि भाई मेरा फ्रेंड जब कॉल किया यार, तो मैंने वो सब बताया कि भाई 2 मिलियन वॉचिंग क्रॉस कर गया, तो मैंने बोला मैं तो 1.8 मिलियन पे ही देखा था। तो यार उसने बोला क्या, हाँ भाई अब तो यार 4.5 लाख का फ्री फायर का टारगेट था और 2 मिलियन क्रॉस कर गया, तो इसमें अब लगता है मेरे को वो बोल रहा था, ठीक है, कि अब हिप हॉप एंड रेड क्रिमिनल भी रिटर्न दे रहा है गेरिना इस खुशी में। तो मैंने बोला यार क्या सही में बोल रहा है क्या, तो मैंने कुछ मालूम किया यार इसके बाद, और कुछ वीडियो भी बन गया भाई कि हिप हॉप मिल रहा है, रेड क्रिमिनल बन रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कितना वॉचिंग क्रॉस करने पे आप लोगों को क्या क्या रिवार्ड मिलने वाला है अभी गेम में और कब मिलेगा, फिक्स टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यार चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज गेरिना का सबसे पहले मैं टारगेट बता देता हूँ गाइज, उसका टारगेट कितना था। तो सबसे पहले मैं उसका टारगेट बता देता हूँ गाइज, उसका मोस्ट जो टारगेट था गेरिना का कि 4.5 लाख वॉचिंग बस क्रॉस कर जाए, ठीक है, ये FFWS जो आप सीरीज देख रहे हो इसमें 4.5 लाख का वॉचिंग का टारगेट रखा था गेरिना। और इसमें आप लोग कितना वॉचिंग पे कितना कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है ये मैं बात कर लूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये रिवार्ड कब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हुए हैं कि भाई अभी तक रिवार्ड नहीं मिला वॉचिंग क्रॉस कर गया। तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो टारगेट था वो था 1.5 लाख वॉचिंग, मतलब 150K वॉचिंग पे जो रिवार्ड मिलने वाला हम लोगों को वो 3-4-5 आप लोगों को मिल जाएगा, ये डायमंड रॉयल बॉन्च है जिससे आप लोग डायमंड रॉयल में स्पिन कर सकते हो। ये बस 1.5 लाख वॉचिंग में को मिलता, जो कि गाइस क्रॉस हो चुका है, तो अब हम लोगों को मिलने वाला है। दूसरा जो गाइज टारगेट था वो था 300K वॉचिंग पर गाइज आप लोगों को 26 कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर मिलने वाला है, जिसमें गाइज आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि जिसमें आलोक होगा, स्काइलर वगैरह होगा, या ये क्या बोलते हैं, ये सॉरी गाइज ये बुकोंग नहीं, बुकोंग मेरे दिमाग में आ गया, ये क्या बोलते हैं जो सिर लगा था, हाँ रोनाल्डो, जो कि जिसको बोलते हैं क्रोनो गाइज, ठीक है, ये तीनों गाइज बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये सब भी मिल रहा है, लेकिन गाइज इसमें जो सबसे अच्छा करेक्टर होने वाला वो हमारा बुकोंग ही होने वाला, जो कि बुकोंग आएगा इसमें, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है गाइज वो चूज कर सकते हैं 26 करेक्टर में से, जिस जो भी आपका पसंद है वो आप लोग चूज कर सकते हो। और गाइज जो हमारा तीसरा जो टारगेट था फ्री फायर का, हमारा नहीं फ्री फायर का जो टारगेट था 4.5 लाख वॉचिंग पे गाइज, उसमें आप लोगों को 7 रिवार्ड दिया जा रहा है, जो कि बहुत ओपी रिवार्ड है। जी हाँ गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें से कि गाइज 3 हमारा गुलवाल का अच्छा स्किन है, एक तो गाइज मतलब स्टील वाला वो ठीक ठाक नहीं लगा, लेकिन दोनों गुलवाल का कलर स्किन बहुत अच्छा है गाइज, और बाकी 2 इमोट है, और 3 आपको गन स्किन मिलने वाला है, ठीक है, 3 नहीं 2, ठीक है, 4 यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, 2 इमोट, 3 गुलवाल का स्किन और 2 गन का जिसमें कि करेट होगा, ठीक है, MP40 का और लॉन्चर का, ठीक है। तो इसमें से आप लोग बस एक ही कोई चूज कर सकते हो, या गुलवाल आप चूज करो कोई भी, या इमोट चूज करो, या फिर गन कोई क्रेट्स चूज कर लो, ठीक है, क्रेट्स मिलेगा परमानेंट, गन शायद ही मिलने का चांस है, या 7 दिन 30 दिन ऐसा कुछ, मेरे को अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि आपको परमानेंट दिया जाएगा या क्रेट्स दिया जाएगा। और अब बात करते हैं गाइज रेड क्रिमिनल हिप हॉप के बारे में, ठीक है, इस पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, ठीक है, और मेरा फ्रेंड जो कॉल किया था, तो यार ऐसा हो सकता है गाइज, क्योंकि अभी हो सकता है इस खुशी में यार ऐसे भी रिटर्न वाला जो ट्रेंडिंग था ये चल ही रहा था, तो यार अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ना आए वापस, ठीक है, मिल सकता है रिटर्न आ जाए इंक्यूबेटर में भाई, लाभ ये जो रेड क्रिमिनल वगैरह का इवेंट है, ठीक है, और हिप हॉप वाला। तो यार बस इतना ही बताना था आप लोगों को, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।